नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं नया पश्चिमी विक्षोभ कल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को करेगा प्रभावित। उत्तर पश्चिम के मैदानों इलाकों में भी दिखेगा असर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कई जगह बारिश का अनुमान, कहीं कहीं ओले पड़ने के भी आसार। झारखंड और पश्चिम बंगाल में दो दिन तेज हवाएं चलना संभव। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कल चलेंगी तेज हवाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बारिश के पूर्वानुमान से। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज कुछ जगहों पर तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कल कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं पंजाब हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कल एक-दो जगहों पर बारिश की संभावना है। कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। बता दें आपको पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी कल बरसात के आसार हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज और कल कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। ओडिशा और झारखंड में दो दिन कुछ जगह बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो बिहार में आज एक-दो जगह बादल बरस सकते हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी दो दिन वर्षा की संभावना है। तो वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान। बता दें आपको केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कुछ जगहों पर बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। तो जाना अपने बारिश के पूर्वानुमान के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें बता देते हैं। बता दें आपको एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, यह अनुमान जताया जा रहा है। और इसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें बिहार और ओडिशा में आज कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करते हैं तो दो दिन यहां पर भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का हाल तो यहां पर भी कुछ इलाकों में कल तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं तेज हवाओं वाले इलाकों में कहीं कहीं बिजली भी चमक सकती है, ये भी अनुमान जताया जा रहा है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं किस प्रकार रहा तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। बता दें आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया और ऐसा ही तापमान सौराष्ट्र कच्छ में भी देखने को मिला। यहां भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा तापमान। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया और वहीं असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा और गंगा पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करेंगे तो कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया और वहीं सबसे ज्यादा पारा केरल के पुनलूर में दर्ज किया गया। यहां पर तापमान रहा 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार। अब जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। बता दें आपको उत्तर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बादल बरसे तो असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली और साथ ही बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तटीय और दक्षिण कर्नाटक भीतरी हिस्सों की हम बात करते हैं तो कुछ जगहों पर बादल बरसे। तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी कहीं कहीं 5-24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस प्रकार का मौसम का हाल रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की विस्तृत जानकारी लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।